चलाने के लिए तो नहीं बोला ना उड़ाएंगे हम। मुंबई में पोर्शे भगाई जा रही है भाई। तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अंशुविश व्लॉग्स में और एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। पहली बार मैं एक्चुअली रात का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, बट है ही चीज ऐसी, अभी मैं ना प्रणव भाई, उज्जवल भाई और मानसी जी से मिलने जा रहा हूँ, तो हम लोग अभी निकलने वाले, जस्ट जाते हैं फटाफट से और जाके मिलेंगे। वैसे प्लान कुछ और था और एकदम से चेंज हुआ और कल सुबह को मेरे को निकलना भी है, तो मैं कायदे से कल को व्लॉग करने वाला था, बट मैंने सोचा चलो यार अभी उज्जवल भाई और प्रणव भाई से मिल रहे हैं तो अभी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट से चलते हैं और उनसे मिलवाता हूं तुम लोगों को। बाकी तो चलो यार भाई मजा आएगा, बहुत ज्यादा भूख लग रही है भाई, आज पता नहीं कितना खाना खाऊंगा भाई मैं। मैंने सुबह से खाना नहीं खा रखा आज। तो गाइस उज्जवल भाई फाइनली आए और ये देखो क्या लेके आए हुए हैंडबैग लेके घूम रहे हो उज्जवल भाई। मजा करे मानसी जी का। बाकी तो भाई पूरी टोली आ चुकी है, प्रणव भाई द मैनेजर, सब्सक्राइब टू गिव अ फील। अरे भाई वाह भाई, मानसी जी, उज्जवल भाई और बाकी अपने अंकित भाई। तो गाइस यार हमने फाइनली खाना वाना खा लिया है, अब हम लोग कितने, हम पांच जने ना, दो चार पांच जने हम, मानसी जी पांच जने हम। दो बार बोल दिया, रुको ठीक है कोई बात नहीं। तो अब हम लोग पूरे पांच जने प्रणव भाई की पोर्स में जाने वाले हैं, तो प्रणव भाई आ जाएंगे ना? आ जाएंगे ब्रो, एक एक टायर पे सब बैठ जाएंगे। एक एक टायर पे, हाँ ठीक है भाई। उज्जवल भाई को बोनेट में बैठा देंगे ऐसे, ठीक है भाई। तो भाई चलो फटाफट से अब उज्जवल भाई चलाएंगे हैरियर। भाई उज्जवल भाई मैंने सुना है कि हाथ एकदम सेट कर लिया आपने, पूरा चलाने के लिए तो नहीं बोला ना उड़ाएंगे हम क्या? जाएंगे हम लोग। अरे व्लॉग में मत बोलो ना। पहली बार भी उज्जवल भाई को मैंने सिखाई थी, बस उस बार प्रणव भाई की थार थी, आज उज्जवल भाई हैरियर चलाएंगे आज। भाई हैरियर चला रहे हो आप, मुझे डरा रहे हो भाई। डर रहे हैं तो आराम से, ये बड़ी ऊंची कार है ना, वही है ना, एसयूवी है ना, तो वो उसकी वजह से है भाई। लेकिन आपने पहली बार में थार चलाई थी, वो याद रखना भाई, वो और ऊंची है, बट इसकी थोड़ी सी अलग फील है, थोड़ी सी रेंज वाली वाइब आ रही है। हां भाई उज्जवल भाई ने हाथ ऐसा सेट करा है गाड़ी में भाई साहब, तो पोर्शे भगा रहे थे हम। अरे मुंबई में क्या व्लॉग बना रखा है? हां आ रहे यस। ओ भाई साहब मुंबई में पोर्शे भगाई जा रही है भाई। भाई इनने कितना टाइम पहले, अभी शायद से 2-3 महीना मुश्किल से हुआ है हम लोगों को, अभी सीखी है भाई, पोर्श भगाई जा रही है कुछ, मतलब ऐसा तेज भगाई क्या? मतलब हाँ अच्छी खासी स्पीड रखी है हाईवे पे, लेकिन सेफ। ओ भाई देखने लायक व्लॉग रहेगा फिर तो। उज्जवल भाई कैसा लगा फिर हैरियर चला के? बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, मजा आ गया। पर भगाने नहीं दिया फिर भाई। पर लेकिन ठीक है ना भाई। भाई लेकिन एक बात तो बोलूंगा भाई, परफेक्ट हो गया हाथ एकदम, अब है पूरी। हाँ ना भाई, कोई मेरे को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी के पीछे बैठ रहा हूँ, मतलब साथ में बैठ रहा हूँ जिसको चलाने नहीं आती है, एकदम परफेक्ट गाड़ी चलाई है भाई, और वो भी हैरियर भी थोड़ी बड़ी गाड़ी है, ठीक है, फील भी थी एकदम। हाँ मतलब तो खुल गया। हाँ खुल गए भाई, खुल गए भाई, मानना पड़ेगा ठीक है। अभी अभी उज्जवल भाई हैवी ड्राइवर बन गए भाई, ठीक है। उज्जवल भाई मिलते हैं हीरो ब्रांड एसएमपी की स्ट्रीम पे, बाय बाय भाई, तोड़ाई होगी। अच्छा वो तो बताओ उज्जवल भाई, वो एंड में कौन है भाई? एंड में आ आ आ तो गाइज यार गुड मॉर्निंग, यह है डे टू। हम लोग कल रात को लाइक उज्जवल भाई और प्रणव भाई, मानसी जी, सभी लोगों से, अंकित भाई सबसे मिल के तो आगे, अभी मेरे को निकलना है दिल्ली से हल्द्वानी के लिए, और हमारे साथ मस्त बात यह है अंकिता दीदी जुड़ने वाली है, वो लाइक मेरी दीदी हैं, मेरी दीदी किरण दीदी की दोस्त हैं, तो वो भी अभी एक्चुअल में हल्द्वानी आ रही थी, तो सही है साथ हो जाएगा, बट अभी के लिए तो फटाफट निकलते हैं क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया। मैंने सोचा था कि 7 बजे निकलूंगा बट 9 बज चुके हैं, ठीक है, नींद आ गई थी यार, मैं बताना कल रात को 2 बजे के आसपास आया था मैं वापस होटल पे, तो अभी चलते हैं फटाफट से, निकलते हैं सीधे हल्द्वानी के लिए। गाइस यार अब अंकिता दी भी आ गई है, अब नॉन स्टॉप सीधे हल्द्वानी चलते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा ही लेट हुआ, 9:30 बज गए हम लोग निकलते निकलते,
तब हम लोगों को सीधे हल्द्वानी जाना है, अब कहीं पे नहीं रुकेंगे, ठीक है दी? पक्का ना? खाना वाने का रख लिया ना? यस। चलो चलते हैं अब सीधे। गाइस यार फाइनली हम लोग हल्द्वानी आ चुके हैं। मैं बता नहीं सकता भाई कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को हल्द्वानी आके। और हल्द्वानी का मौसम देखो भाई, फुल बारिश हो रहा, पेड़ ऐसे बिल्कुल एकदम लहला रहे भाई, कुछ तो मजेदार होने भाई। पता नहीं यार भाई, कहीं भी जाओ ना मजा घर आके आता है। तो गाइस जस्ट घर पहुंचे, पापा वापा लोग तो बाहर ही खड़े हुए थे, पापा मम्मी। और ये क्या कर रही होगी? नहला दिया इसको? नया पिल्लू, पिल्लू क्या नाम रखा इसका अभी तक? अरे अरे हाथ में चाटी चाटी कर रहा हूँ। लुबलू भाई ठीक है भाई? चिंपू चिंपू लुबलू भाई पता नहीं क्या क्या। चलो यार गाड़ी अंदर डालते भाई, बहुत भाई क्यों मौसम हो रहा है मस्त एकदम। पाव तो चुमे रहे, जीते रहना मम्मी के पीछे। तू तो रहा था, मैं बनाता ना इधर से पहला। अरे इसको देखो ओए छोटे बेबी को, बच्चे को वो खुद भौंकता है। अरे वो भौंकती है उसको। आ पंपी, आ मेरा बच्चा, तू जा पंपी। डंडा कहाँ है पापा? डंडा लाओ, लाओ डंडा लाओ। बाकी गाइस ये देखो, मैं ना छोले कुलचे लेके आया था क्योंकि पापा उस दिन याद दिला रहे थे कि रुद्रपुर के रास्ते में बहुत बढ़िया मिलते हैं, तो मैंने दो प्लेट करेक्ट पापा और मेरे लिए पैक कराई है, क्योंकि मुझे पता है दीदी खाएगी नहीं। और खाएगी क्या? ऐसे कौन करता है, अब कौन खाएगा भाई? ये और टाइम पे फिटनेस फिटनेस करती है, और आज देख रहे हो इसको, जब मैं कुछ अच्छा खाने के लिए लेके आऊ तो मैं भी खाऊंगी। और बाकी मम्मी के लिए लेके आया था ये, मम्मी चलो पान वाला पंछी पेटा खाओ मस्त करके। हाँ ना बाबा, पान वाला है, खोलो भाई, खोलो तो सही जरा, हम भी तो खाए। खुल नहीं रहा पापा ये खाए के पान बना। अरे खुलियो 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 खुलियो, ऐसे ऐसे खुलियो पंछी ये खाए के पान बनारस वाला, नहीं आगरा वाला पंछी पेटा। भाई मेरा सारे पंछी पेट हो ना सबसे फेवरेट ये है, फिर रोज वाला भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बट ये वाला तो मेरा फेवरेट है भाई, तब टेस्टी और कूल सा होता है, मजा आता है। और भाई मिस किया तुमने मेरे को, ऐसा बात तुम्हें दद्दा कहाँ के, मेरे दद्दा कहाँ के बोला था? ऐसे टॉयलेट में बंद होकर रो रही थी ना तू, दद्दा मेरे दद्दा कहाँ के, टॉयलेट में मेरे दद्दा कह रहा, मेरे दद्दा कहाँ के। तो गाइस यार फाइनली खाना खाने को मिल रहा है, दीदी ने मस्त जीरा राइस और दाल बना रखी, और बाकी ये तो मैं छोले कुलचे लेके आया था। भाई हम लोगों ने ना कहीं पे भी गाड़ी रोकी नहीं, और मैं नाश्ता भी नहीं करा हुआ था, तो फाइनली कुछ खाने को मिलने वाला है, तो मैं तो मिलता हूँ तुम लोगों से खाना खाने के बाद सीधे। भाई भाई ये कौन ला के दिया जग्गू तेरे को? वो दीदी और मैं, क्या मैं सौतेला भाई हूँ? अरे भाई साहब, जग्गू सिप्पू दोनों को डोनट खिला रही है और मेरे लिए नहीं मंगाया बस। मैंने ना खाए नहीं थे। देखो देखो खाने के लिए मिल रहे हैं। वाह ये देखो पहली बार डोनट खा रहा हूँ, बल देखो इसको।